हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। बारिश के समय मेरे टेरेस गार्डन की क्या पोजीशन है, मेरे बहुत सारे व्यूअर फ्रेंड्स जानना चाह रहे थे और वीडियो की डिमांड कर रहे थे। तो लीजिए, लेकर आ गए आपके लिए अपना टेरेस गार्डन। बारिश रुकी हुई है, किस समय पानी बरसने लग जाए मैं कह नहीं सकती हूँ, तो जो है आपके लिए फटाफट मैं शूट कर रही हूँ। इस समय टमाटर के बड़े बुरे हाल हैं, पता नहीं चिड़िया गंदा कर रही हैं टमाटर को, खा रही हैं या फिर गिलहरी। ये देखिए, प्लांट में लगे ही लगा टमाटर जो है ये ख़त्म हुआ जा रहा है, और इधर जो था 2-3 दिन छत में नहीं आए हैं तो और ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर एक नई वेजिटेबल मैंने पहली बार ग्रो करी है, नोल करके बोलते हैं, देखते हैं क्या पोजिशन बनती है। और ये सब जो है, ये गोभी है हमारी, ऊपर जो है ये हैंगिंग बास्केट लगी हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों, सब बिल्कुल सही सलामत हैं। मेरे कुछ व्यूअर फ्रेंड्स ने इसके बारे में हमसे क्वेरीज करी थी, तो जल्दी ही मैं उसका वीडियो बना करके आपके साथ लाऊंगी। और दोस्तों, इसमें जो है बस गंदगी हो गई है बारिश की वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काला टमाटर जिसके कि सीड अपने आप ही गिरे थे लास्ट ईयर गिलहरी की मेहरबानी से, और सबसे बड़ी राहत मिली मुझे ये देख करके कि मेरी फिश जिंदा हैं। एक्चुअली मैं जैसे ही विंटर पड़ा था तो ये फिश जो थी दिखना बंद हो गई थी, तो मैं सोच रही थी ये मर गई हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, है इसके अंदर भी बड़ी फिश है जो कि मेरे पास आते ही भाग गई यहाँ से। और नस्टेशिया में पड़ी हुई दोस्तों पानी की बूंदें बहुत सुंदर लग रही हैं देखने में, ऐसा लग रहा है जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं कमल की पत्तियों में। और इस साइड जब घूमते हैं तो जरबेरा दोस्तों फूल खिल रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश के चक्कर में हो सकता है फंगस की प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि पानी सूख नहीं रहा है। मैं जो थी इधर कुछ दिन से अपने टेरेस गार्डन की सेटिंग्स चेंज करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी बहुत कर भी रही थे, लेकिन फिर वही हुआ, बारिश हो गया तो काम रोक दिया हमने। ये सब जो थे सीड से मैंने कैलेंडुला ढेलियास लगाए थे, सब में जो है फ्लावरिंग चालू हो गई है दोस्तों। इस समय देखिए 3 बज रहे हैं और कोहरा सा कितना हो रहा है। यहाँ पर कुछ जो गमलों के नीचे मैंने ट्रे लगा रखी थी, सोचा लगे हाथ इसको भी हटा दें। वैसे तो अब की मुझे ओवर वाटरिंग की जो प्रॉब्लम है उसका सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि गमले का ड्रेनेज बहुत अच्छा रखा है हमने, लेकिन हाँ ये ट्रे में थोड़ा बहुत पानी जो स्टोर हो जा रहा है, इससे जो है अगर हम और कुछ दिन लापरवाही कर देंगे तो ये सब खराब हो जाएंगे। इन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पानी की बढ़ गई है और गमले इनके छोटे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये देखिए, इसमें भी हो गया, ये भी हो गया है, लेकिन अभी बाद में हम उसको हटाएंगे क्योंकि कैमरा हाथ में पकड़े हैं और रखने की जगह नहीं है, सब गीला गीला है। ये इतना भी क्रिसेंथेमम में सब खराब हो गया है, येलो वाला बिल्कुल भी नहीं बचा है क्योंकि सब फूल काले हो गए हैं, हटाने पड़ जाएंगे मुझे। और यहाँ पर भी ठीक है, कहीं पर भी कुछ पानी स्टोरेज नहीं है, पानी ख़त्म हो रुक जाए बिल्कुल, फिर मुझे इनमें वर्क करना है सभी प्लांट्स में। तो मैं देख रही हूँ कोई हल्का भी पीला हो तो मैं फट से तोड़ लूँ उनको, तोड़ करके नीचे रख लेंगे घर में तो सब पक जाएंगे जा करके। गिलहरियों से इस बार गिलहरी या बर्ड्स क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अब पिछले साल भी हुआ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, अब की भी यही दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये सब देखिए फूल खिल रहे हैं कैलेंडुला में काफ़ी दिन से, ये तो दोस्तों सब सीड से मैंने ग्रो करे थे, और एक अच्छा सा सरप्राइज़ मिला है, दिखाते हैं आपको। तो अब कि मैं उधर की तरफ क्रिसेंथेमम रख रहे थे, लेकिन अब सब बेकार हो गया है, सेटिंग सबकी सब गड़बड़ हो गई सब चीज़ मेरी। सरप्राइज़ दोस्तों ये है, इधर पीछे की तरफ थनबर्जिया रख था, इसमें फूल खिले और देखिए गिर भी गए फूल, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं 2-3 दिन बाद आ रही हूँ टेरेस में, तो वही है थनबर्जिया में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। साथ में ये शायद लिपस्टिक है, हिबिस्कस है क्या है, इसमें भी जो है मिलीबग्स लग गए हैं। पानी रुक जाए, बारिश रुक जाए, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ ट्रीटमेंट करूँगी। जैसे ही बारिश रुकेगी मुझे कुछ काम करने होंगे इसमें, ताकि मेरे प्लांट्स में फंगस की या फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे ओवर वाटरिंग की तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ट्रीटमेंट करूँगी। क्या करूँगी, मौका लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना, मेरी टेरेस बारिश के समय कैसी लगी है ये भी बताना। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।